दोस्तों आज बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन काफी पॉपुलर एंटीबायोटिक है, बहुत यूज करी जाती है अपने देश में। उसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा, यूज क्या है, उसका डोज क्या है, क्या साइड इफेक्ट आते हैं, क्या दूसरी दवाइयों के साथ क्या उसके इंटरेक्शन होते हैं, इन सब विषयों पर जानकारी दूंगा। एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, मतलब ये बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है, वायरस के खिलाफ नहीं काम करेगी, और दूसरे कोई प्रोटोजोवा है या कोई हेलमेंथीस है उसके खिलाफ काम नहीं करती। तो ऐसे इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया से होते हैं उसके लिए ये दी जाती है, और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, मतलब कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो, ग्राम निगेटिव हो, क्लैमाइडिया हो, माइकोप्लाज्मा हो, इन सबके खिलाफ भी काम करती है। ये काफ़ी अच्छी एक तरह की एंटीबायोटिक है। इसका जो एक्शन है, ये एक्शन ये है कि जो बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस है उसको रोक देती है। तो उसमें प्रोटीन सिंथेसिस ना होने से बैक्टीरिया प्रोटीन नहीं बना पाएगा और वो डेड हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करती है। अब इसका जो इंडिकेशन है कि कब दी जाती है, तो ज़्यादातर केस में ये रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है, मतलब कि सांस से संबंधित जो बीमारियां, चाहे निमोनिया हो, गला खराब हो, फेरेंजाइटिस हो, टॉन्सिलाइटिस हो, राइनाइटिस हो, साइनोसाइटिस हो, उन सब में दी जाती है, क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे बहुत अच्छे से काम करती है। इसके अलावा ये टाइफाइड में, एंट्रिक फीवर में भी अच्छा काम करती है, और एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में भी दी जाती है। और एक इसका रोल आजकल ये भी है कि ये नॉर्मल जो दवाइयाँ होती हैं टीबी की, अगर उसमें रेजिस्टेंस आ गया या कोई एटिपिकल ट्यूबरकुलोसिस का केस है, उस केस में भी एजिथ्रोमाइसिन दी जाती है। तो इसके ये चार पांच इंडिकेशन है। अब इसकी डोज और ड्यूरेशन की बात करें, तो ये एक ऐसी दवाई है जो ज़्यादा देर तक रहती है, टिश्यू पेनिट्रेशन इसका बहुत अच्छा है, इसकी जो हाफ लाइफ है बहुत अच्छी है। तो ये नॉर्मल जो एडल्ट की डोज होती है वो 500 मिलीग्राम ओडी है, दिन में सिर्फ एक ही टेबलेट चलती है 500 मिलीग्राम, और अलग अलग बीमारियों के हिसाब से इसका ड्यूरेशन रहता है। जैसे किसी को गला खराब है, निमोनिया, फेरेंजाइटिस, इन सब की दिक्कत है, तो 5 to 7 days का कोर्स है। लेकिन अगर किसी को एसटीडी के लिए दी जा रही है, जैसे कि यूरोथराइटिस के लिए दी जा रही है गोनोकाकल, तो सिंगल डोज ही सफिशियंट है। और जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए दी जाती है, टिपिकल ट्यूबरकुलोसिस के लिए, तो उसमें फिर महीनों दी जाती है। मोटे तौर पे जो जिस चीज़ के लिए यूज करी जाती है, ज़्यादातर गले में जो इन्फेक्शन है, खराश है, उसके लिए ये 5 से 7 दिन का इसका कोर्स रहता है मिनिमम। कम से कम अगर देना भी है तो 3 डोज का। ज़्यादातर स्ट्रिप आती है उसमें, किसी में 5 रहती है, किसी में 3 रहती है, राइट। अब बात करते हैं कि इससे क्या मेजर साइड इफेक्ट होते हैं। ये दवाई एक ऐसी है जो काफ़ी सेफ है, राइट, बहुत सेफ है। इसमें ज़्यादातर केस में जो साइड इफेक्ट आता है वो दस्त का लगना, डायरिया का होना है। अब डायरिया इसलिए होती है कि जैसा कि मैंने बताया कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, प्रोटीन सिंथेसिस को बैक्टीरिया के ख़त्म कर देती है, तो हार्मफुल बैक्टीरिया मरते हैं, और साथ में पेट के अंदर जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं वो भी मर जाते हैं। तो अगर जिस साइड इफेक्ट आता है, तो ज़्यादातर केस में डायरिया का हो जाना, क्योंकि पेट के जो अच्छे बैक्टीरिया वो मर जाते हैं। और कुछ केसेस में इसमें जो साइड इफेक्ट है हार्ट से संबंधित है, मतलब ये एरिथमिया कराती है, जो हार्ट की रिदम है उसको डिस्टर्ब करती है। हालांकि ये बहुत कम केसेस में होता है, नॉर्मल हेल्दी इंसान में इसमें कोई डरने घबराने की बात नहीं है। क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करती है, और थोड़ा सा एक और साइड इफेक्ट है वो है हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो ये दो साइड इफेक्ट हैं जो बहुत रेयर हैं, तो ये काफ़ी सेफ है, किसी को भी दी जा सकती है, इसमें ज़्यादा बहुत इसमें डरने घबराने की बात नहीं है। और इसको खाया कैसे जाए, तो इसको आप खाना के साथ भी खा सकते हो और बिना खाने के भी खा सकते हो। खाने के साथ खाना ठीक रहता है, उसमें एक दो चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जो एंटेसिड होती है, जो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम वाला एंटेसिड होता है, उसको इसके साथ नहीं ले, नहीं तो ये इसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर ड्रग इंटरेक्शन की बात करें, ये जो मेडिकल के स्टूडेंट होंगे या जो प्रैक्टिशनर होंगे, उनको ड्रग इंटरेक्शन के बारे में जानकारी रहना चाहिए कि एजिथ्रोमाइसिन अगर चल रही है या हम दे रहे हैं, तो फिर उस पेशेंट में दूसरी जो दवा ऐसी कौन सी है जिसको नहीं दे सकते, या दे सकते हैं तो सावधानी के साथ देना है। तो ऐसी कुछ दवाइयां हैं, जैसे कि एक वारफेरिन है, दूसरा डिजॉक्सी, अलावा स्टेटिन्स है, राइट, स्टेटिन्स जो लिपिड लोवरिंग ड्रग होती है, वो अगर साथ में दो तो उसमें जो मसल इंजरी के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। डिजॉक्सिन, कोल्चिसिन, एवरोस्लाइमस,
राइट, एंटेसिड है और स्टेटिंस है, ये चार पांच दवाइयां हैं अगर किसी पेशेंट में चल रही हैं तो फिर इसको सावधानी से देना है, डॉक्टर के निगरानी में या डॉक्टर की परामर्श ही लेना है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इंट्रेक्शन के बारे में जानकारी नहीं रहती है, तो उनके लिए ये जानकारी है कि ये भी आपको समझना चाहिए। जो एजिथ्रोमाइसिन से संबंधित आपके कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। एक तो ये प्रेगनेंसी में सेफ है, लैक्टेशन में सेफ है, बच्चों में भी आसानी से दी जा सकती है। लीवर और जो किडनी के पेशेंट हैं उनको ये ध्यान रखना है कि अगर लीवर किडनी ज़्यादा डैमेज है, सीवियर डैमेज है, तो उस केसेस में इसे सावधानी से चलेगी। अगर माइल्ड डैमेज है तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सीवियर डैमेज है तो उस केसेस में सावधानी से चलेगी। और ऐसे मरीज जिनको हार्ट की प्रॉब्लम, स्पेशली रिदम डिस्टर्बेंसेज जैसी है कि जिनमें पेसमेकर वगैरह लगा होगा, उनमें फिर ये नहीं दी जाएगी, उसमें ये कंट्रा इंडिकेटेड रहेगी, एल्कोहल के साथ इसको नहीं ले सकते हैं। ये आपके जो क्वेश्चन हो सकते थे इस एजिथ्रोमाइसिन के बारे में, या एज ए डॉक्टर जो मैं आपको बताना चाहिए मुझे वो मैंने बताया है। दो तीन चीज़ों का ध्यान रखें कि जब भी दवाई लेंगे तो पूरा 5 दिन लेने हैं, बीच में नहीं बंद करना, नहीं तो रेजिस्टेंस आता है, थोड़ा बहुत डायरिया हो सकता है इससे, उससे घबराने की बात नहीं है। एंटेसिड के साथ में नहीं लेना है, और जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको अवॉइड करनी है। ये कुछ चीज़ें आपको एजिथ्रोमाइसिन लेते समय ध्यान रखना है, और ये सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है, वो भी ज़्यादातर केस में ग्राम पॉजिटिव और कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो वायरस है उसमें काम नहीं करती, जो पैरासाइट है, मलेरिया है, जो फंगस का इन्फेक्शन है इसमें काम नहीं करती, और नॉन इन्फेक्शियस बीमारियों में ये एजिथ्रोमाइसिन काम नहीं करती। ये एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट के बारे में जानकारी थी।